हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप गिटहब पर एक कोई भी रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे अपना आप अपना सोर्स कोड जो है उसको पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, सो क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको github.com पे चले जाना है। ठीक है, तो ये मेरा github.com है। यहाँ पे अगर अकाउंट हो, नहीं है तो बना लेना, मेरा यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे रिपोजिटरी का ऑप्शन आएगा फाइंड, यहाँ पे ये कोई रिपोजिटरी फाइंड भी कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू पे, यहाँ पे न्यू आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये न्यू पे हम लोग क्लिक कर दिए और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी। ठीक है, तो ये रिपोजिटरी बेसिकली दिखेगा कैसे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली कैसे आपको दिखेगा। ओके, सो ये देखिए कुछ इस तरीके दिखेगा, जहाँ पे आप अपना जो सोर्स कोड है, कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, तो उसका सोर्स कोड आपको यहाँ पे अगर आप देना चाहते हो, उसको पब्लिश करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, फ्री में, कोई होस्टिंग कॉस्ट ये सब नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये देखिए क्रिएट रिपोजिटरी आ गया। यहाँ पे आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, मान लीजिए मैं इस रिपोजिटरी को इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो इंपोर्ट भी कर सकता हूँ, बट आज की सीडियो में मैं बताऊँगा कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनर पहले आप बता दो कौन सा ओनर है। सिंपली अगर आपके पास दो तीन अकाउंट है तो यहाँ पे आप वो अकाउंट सेलेक्ट कर लो जहाँ से आप करना चाहते हो। ठीक है, जिस अकाउंट से आप इसका ओनर रखना चाहते हो। ठीक है, फिर आपको रिपोजिटरी नेम रखना है, कुछ भी आप रख लो। मान लीजिए मैं यहाँ पर बार कोड जनरेटर का भी बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बार कोड जनरेटर। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे बार कोड जनरेटर लिख लिया और ये नेम अवेलेबल है। ठीक है, तो बेसिकली आपके रिपोजिटरी में जो अगर कोई भी नेम जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, रिपोजिटरी का नेम ठीक है डिफरेंट ही होना चाहिए। तो यहाँ पे बार कोड स्कैनर मैंने नाम रख लिया। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो जो आप ऐड करना चाहो, बट ये ऑप्शनल है। आप क्या होता ऐड कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हो, दैट दिस इज़ बार कोड जनरेटर। ठीक है, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे आप इसको पब्लिक करना चाहो, पब्लिक रखना चाहो तो पब्लिक रख सकते हो, अगर प्राइवेट रखना चाहो यानी कि केवल आप ही देख सकते हो, या इसको शेयर, आप जिसको शेयर करोगे वही देख सकता है, तो वो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक रख लो आप, मैं कहूँगा रिकमेंड करूँगा। ठीक है, लेकिन आप प्राइवेट में चाहते हो रख लेते हो। ठीक है, यहाँ पे रेडमी फाइल अगर आपको पहले से डालना है तो डाल लो, नहीं डालना है तो नहीं डालो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नहीं डालो। ठीक है, इसको स्किप कर दो, क्योंकि यहाँ पे आप एक रेडमी फाइल ऑब्वियसली बना के रखोगे, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है गाइस, उसके बाद आपको जाना है एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ठीक है, इसका सॉफ्टवेयर का नाम एक्चुअली मुझे याद नहीं। हाँ, तो डेस्कटॉप फॉर गिटहब। ठीक है, ये आपको सर्च करना है। ठीक है, एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे है, आई थिंक ये देखिए मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, सो मैं इसी को यही आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, सो बेसिकली उसका क्या करना है, सेटअप डेस्कटॉप करना है, सेटअप इन डेस्कटॉप और ओपन गिटहब डेस्कटॉप। ठीक है, ये ओपन होगा, हो रहा है, देखिए हो रहा है। यहाँ पे क्लोन का एक ऑप्शन आएगा, तो क्लोन कर लीजिएगा आप, देख लेना है कि वही क्या रिपोजिटरी है जो आपने क्रिएट किया था। ठीक है, और अब यहाँ पे सो इन एक्सप्लोरर करना है। ये देखिए हमारा वो फोल्डर आ गया। अब बेसिकली अपने जो जो वेबसाइट के जो आप सोर्स कोड रखे हो, जहाँ पे भी मान लीजिए ये सोर्स कोड है मेरा, तो इसको आप अब जो भी सोर्स कोड आप इसमें डालना चाहते हो, आप पब्लिश करना चाहते हो, सो क्या करो, ये जो है, ये मान लीजिए मैं इसको, ये मेरा सोर्स कोड है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये सारे सोर्स कोड को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ लाऊँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब बेसिकली फिर से जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये आ गया अपना आगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क गाइस। यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, बट एडिट आप वहाँ पे करना। ठीक है, और यहाँ पे एक समरी डाल दो, जो भी आप डालना चाहो। मान लीजिए यहाँ पे लिख लेता हूँ बार कोड जेनरेटर, कमिट टू मास्टर कर लेना है, पब्लिश ब्रांच कर लेना है, ये पब्लिश हो रहा है यहाँ पे।
ओके सो बेसिकली यही है, इसी तरह की ट्यूटोरियल आप कर सकते हो। अगर इसे इस वेबसाइट को बनाना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप कर लो। अब ये देखिए हो गया ये, और हम गूगल क्रोम पे आ जाते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमारे जो फाइल्स हैं वो आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मैं रेडमी फाइल करना चाहता हूँ तो इसे मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, बट मैं अभी चेंज नहीं करना चाहता। यहाँ पे आप सेटिंग्स पे जाओ, यहाँ पे अगर आप नेम चेंज करना चाहते हो तो नेम कर सकते हो। फिर यहाँ पे फीचर्स हैं ये डाटा सर्विस और ये गिटहब पेजेस, यहाँ पे देखो इसे नन करना चाहो तो नन कर, इसमें मास्टर ब्रांच करोगे तो ये वेबसाइट बन जाएगी, लेकिन उसके लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा github.io। ठीक है, github.io यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी यह होगा। और रीनेम करना है, ठीक है, ये रीनेम हो गया github.io। ठीक है, यहाँ पे अब फिर से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे मास्टर ब्रांच कर लेंगे गिटहब पेजेस में। और ये देखिए ये हो गया अपना वेबसाइट रेडी। अभी आप तुरंत जाओगे तो आपको 4x4 एरर आएगा, 404 एरर आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ करना, अगर आप अपने कोई रिसोर्स को उसको एडिट करना चाहते हो तो सिंपली आप कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, बेसिकली कोड पे जाना, यहाँ पे कोई भी फाइल आप एडिट करना, मैं रेडमी फाइल एडिट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये वाला मैं ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे मान लीजिए मैं ये कर लेता हूँ। ये हो गया। ठीक है, अब आप इसके प्रीव्यू करना चाहते हो तो प्रीव्यू देख लो, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और अब इसमें क्या करना है, कमिट चेंजेस कर लेना है। ठीक है, ये कमिट चेंजेस आपका हो गया बेसिकली। देखो ये अपना कमिट चेंजेस हो गया, और इसमें आप कोड पे हम लोग जाते हैं फिर से, और आपको index.html फाइल को एडिट करना है। तो ये देखो ऐसे एडिट करना है, यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे आप एडिट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर लेना और सिंपली आप इसको एडिट कर सकते हो। मान लीजिए मैं टाइटल चेंज करना चाहता हूँ, इसे टीटी कर देते हैं। ठीक है, देखिए टाइटल चेंज हो गया। और अगर आप कोई भी चेंज करना चाहते हो रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं, तो ये देखिए हमारा जो है आ गया, और ये देखिए ये सक्सेसफुली वर्क भी करेगा जी। ठीक है, यहाँ पे ये बारकोड जनरेट भी कर लेगा। ठीक है, यही है गाइस बारकोड जनरेटर, यहाँ पे आप कुछ भी एडिट कर सकते हो। और इसे फिर इसको एडिट करने के बाद इसमें आप कुछ भी अपडेट वपडेट डाल सकते हो और कमिट चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, ये कमिट चेंजेस हो गया। अब देखिए गाइस यहाँ पे हम लोग ने टाइटल चेंज किया था, टाइटल फिर फर्स्ट टाइम लेता है गाइस। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हम लोग ने चले देख लेते हैं, हाँ देखिए टाइटल चेंज हो गया, टीटी बारकोड जनरेटर प्लस रिटर्न रिसेंट हिस्ट्री। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है इसे। ओके सो एक मिनट, हाँ सही है, चलिए कोई बात नहीं। गाइस आज के शो में इतना ही, मिलेगा अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और मुझे गिटहब पे फॉलो नहीं किया है तो गिटहब पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, मेरा नाम है अंजनी कुमार मिश्रा। ओके, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी मुझे विजिट कर सकते हो। ये हम लोग का वेबसाइट रेडी हो गया। ठीक है अंजनी, अगर आप इस टूल को यूज़ करना चाहते हो गाइज तो हाँ, नेटवर्क वेब सर्विसेज में ये जल्द ही आने वाला है, ये नया टूल। ठीक है, नेटवर्क वेब सर्विसेज में टंटा वेब सर्विसेज को करने के लिए www.tenta.in आपको सिंपली सर्च करना है। ठीक है, आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, यहाँ पे आप टूल्स लेटेस्ट टूल्स देख सकते हो। ठीक है, तो गाइज आज किसी में टाइम मिलाने अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।